ॐ भूर्भुवस्वः भगवते शाम सदाशिवाय नमः हरि ओं महा भगवते शाम सदाशिवाय नमः पादयोपाद्यं चार बार जल छोड़ेंगे ओं पादयोपाद्यं मस्तयोरर्घ्यं मुखेयाचमनीयं सर्वांगे सुसनानीयं फिर एक बार जल छोड़ेंगे ओं पुनराचमनीय जलम समर्पयामि भगवते शाम सदाशिवाय नमः। शंकर जी के साथ में जितने भी गण हैं उन्हीं के साथ आप इसकी पूजा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप अलग अलग पृथक पृथक स्नान भी करा सकते हैं या फिर पंचामृत का एक साथ स्नान करा सकते हैं। ओम पंच नदियः सरस्वती मभियन्ति सुद्रौदसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरितः भगवते शाम सदाशिवाय नमः। यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान रखना है, यदि पुरुष यदि जो है अभिषेक कर रहे हैं तो भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसको आप हाथ से मलकर स्नान कराएं, और स्त्री कर रही है तो केवल जल छोड़ के या पंचामृत छोड़ के अभिषेक कराएं। पंचामृत स्नानम समर्पयामि हि पंचामृत आपको मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सिर्फ पंचामृत स्नानम समर्पयामि इतना कहकर आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं, फिर जल चढ़ाएंगे। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिवान स्वेनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलुप्ता रौद्रानहोरूपाः पारजन्या भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। बड़े भाव के साथ, क्योंकि यादृशिर भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी आपकी भावना होगी उसी भाव के साथ आपका पूजा होगा और उसी पूजन के साथ उसका फल भी निश्चित होता है। तो इस प्रकार से आप शुद्ध जल स्नान कराएंगे, उसके बाद फिर गंधोदक स्नान की प्रक्रिया आती है, उसमें आप गंध आपके पास हल्दी है या चंदन है आप उससे स्नान कराएंगे जल में मिलाकर। ओम त्वां गंधर्वस्त्वा अगणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः वामोपदिः सोमो राजाद्वाच्यमानमुच्यत अगुंशुनादे अगुंशुरुच्यतां परुकः परु गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसोऽच्युत गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानान्ते आचमनीयजलं समर्पयामि। जलाब जो है चम्मच की छोड़ेंगे, एक चम्मच जल छोड़ेंगे। अब उसके बाद अभिषेक लघु रुद्र के द्वारा रुद्राभिषेक करेंगे, जो कि आप स्वयं करते हैं किसी भी मंदिर में या सिद्धपीठ में, तो आप केवल 16 मंत्रों के द्वारा भी अभिषेक कर सकते हैं। इन्हीं 16 मंत्रों को चलाकर आप घर में भी पूजन अभिषेक कर सकते हैं, इसको आप लाइव चला दीजिए और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें। तो बहुत ध्यान से आप इन मंत्रों को श्रवण भी करेंगे, क्योंकि वेद मंत्रों का श्रवण का भी उतना ही फल है जितना अभिषेक करने का फल माना जाता है। आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ में अभिषेक करेंगे। हरि ओम मां भगवते सांब सदा शिवाय नमः। हरि ओम मां नमस्ते रुद्रमन्यावो जय जय नरगं रुद्रा आदि
अजसर्वानो हन्तेभ्यो करन्नामः समन्तरं नमस्तु भयो राज्यो जामाजाशरे हस्त इकवः पराता भगवो वपः विजन्धनुः सपदिनो विदल्यो माणवा अनेकन्नस्य जातिपवकाभूरस्य नितङ्गदीः जातेः निर्मीरुत्तमम् भूवते धनुः आयास्मान् विश्वातस्तमाय क्षमाया परिभुजा परिदैधन्दनो हि देशमान्नावृणस्तु विश्वपादाः अधो दैवस्तवारि अजमन्निधैलम् आवादपियाधनुष्टकोङ्कहराक्षसैकुलेनिधिव्यदल्याणामुखाशिवौनासुमनाभवनमस्तथायुधाय नादतायदृणवे भुवभ्यामुदे नमः बाहुभ्यान्तवदन्धने मानो वहन्तमुदमानो सर्वकं मानमुच्चन्तमुदमानपुच्छितं मानो वदी पितरं मोदमातरं नः प्रियासन्वो रुद्रारीरिवः मानस्तो वेतनाये मान आयुषिमानो अत्रे भूरीरिवः मानो वीर रुद्राभामिनो बलिरहृतवन्तः सदा नृतवाहवाहे भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः महाविदेशगणानां समर्पयामि बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार से रुद्राष्टाध्यायी के पांचवे अध्याय के 16 मंत्र के द्वारा, जो कि यजुर्वेद से लिए गए हैं, उनके 16 मंत्रों के द्वारा महाभिषेक का वर्णन आता है, जो कि रुद्राष्टाध्यायी और भगवान शिव के रुद्राभिषेक में इस प्रकार की परंपरा 16 मंत्रों के द्वारा आप अभिषेक कर सकते हैं। और खास बात, अच्छी बात यह है कि आज जो ये अभिषेक की आप वीडियो देख रहे हैं, ये असम से श्रीमती वर्षा जी हैं जिनका पूजन हो रहा है और उन्हीं के निमित्त ये ऑनलाइन पूजन किया गया था, उसी में छोटी सी वीडियो कैप्चर की गई है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस रुद्राष्टाध्यायी का, रुद्राभिषेक का बहुत बहुत लाभ ले पाएंगे। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और सब लोग नियमित रूप से इसी प्रकार से पूजन और रुद्राभिषेक नारायण प्रियमनंगम दापुरारं वाराणसी पुरपति ध्वज विश्वनाथं बोल शंकर भगवान की जय। ध्यानं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् उपनयामि आचमनीयजलम् समर्पयामि पुनः उपवस्त्रम्।
ॐ उपवस्त्रं समर्पयामि भगवते साम्न सदा शिवाय नमः। फिर आचमनीजलं आचमनीजलं समर्पयामि फिर भगवान शंकर को त्रिपुंड बनाएंगे तिलक करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं मुष्टिवर्धनम् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं मुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् प्रत्योरुक्षेयमामृतात् साम्ब सदा शिवाय नमः। त्रिपुण्डधारणम् गन्धानरेवनं समर्पयामि अक्षतानि निक्षिप्य हरि ॐ मा अक्षन्नामि मदन्ताहिव प्रयाधूगत अस्तु खदस्वभान्नभो विपरान्न विश्वाय मदीरो दानन्द्रते हरि अक्षतानि निक्षिप्य पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। ताम्बूलपत्रं समर्पयामि शुद्धदीदारभङ्गभूमि प्रदीप्ताम्बूलपत्रं समर्पयामि भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। जवाश्च मे तिलाश्च मे कल्पाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नामश्च मे श्यामाकाश मे श्रीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे वाशूराश्च मे श्रीनकलबन्दामागते साम्बस्वदा शिवाय नमः। हरिः ओम महा ओम रुद्राय नमः। एकादश रुद्रों का पूजन करेंगे। एकादश रुद्र भगवान शंकर के 11 नाम हैं। ओम अघोराय नमः। इसमें आप चावल ले सकते हैं, इसके अलावा और भी कुछ पाठ चिन्ह के द्वारा भी पूजन कर सकते हैं। ओम अघोराय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम कपर्दने नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणिने नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम महेशाय नमः। भगवान की शक्तियों का पूजन करेंगे जो 11 शक्तियां हैं। ओम उमाय नमः। ओम शंकर प्रियाय नमः। ओम पार्वती नमः। ओम गौरी नमः। ओम काली नमः। ओम कालिंदे नमः। ओम कोटरी नमः। ओम विश्वधारण्ये नमः। ओम ह्राम नमः। ओम ह्रीम नमः। ओम गंगायै नमो नमः। शिव पुराण के अनुसार भगवान की जो 11 शक्तियां हैं 11 सूत्रों के रूप में उनकी शक्तियों के साथ यहाँ पर पूजन का विधान आता है। उसके बाद विशेष पूजा में भगवान के जो अंग प्रत्यंग हैं उनके भी पूजा का यहाँ पर विधान है। ओम अंग पूजा ईशानाय नमः पादो पूजयामि। ओम शंकराय नमः जंगे पूजयामि। ओम शिवाय नमः जानुनिम पूजयामि। ओम शूलपाणिने नमः गुल्फोर पूजयामि। ओम संभवे नमः कटिम पूजयामि। ओम शुभम ओम स्वयं भुवे नमः वीर्यम पूजयामि। ओम महादेवाय नमः नाभिम पूजयामि। ओम विश्वकर्त्रे नमः उदरम पूजयामि। ओम सर्वतोमुखाय नमः पार्श्वे पूजयामि। ओम स्थाणवे नमः स्तनो पूजयामि। ओम नीलकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि। ओम त्रिनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि। ओम नागभूषणाय नमः शिरः पूजयामि। ओम देवादिदेवाय नमः सर्वांगं पूजयामि। सभी अंगों का एक साथ पूजन करें और कहेंगे सर्वांगे पूजयामि। अब भगवान गणपति की जो पूजा है, गणों का पूजन जो भगवान शंकर के गण है, क्योंकि भगवान शिव ने ही इस बात को स्पष्ट किया है कि गणों की कितनी महत्ता है, इसलिए गणों का पूजन यहाँ पर श्रेष्ठ रूप से और विशेष रूप से आता है। ओम गणपतये नमः पूजयामि। ओम कार्तिकी नमः पूजयामि। ओम पुष्पदंताय नमः पूजयामि। ओम कपर्दिने नमः पूजयामि। ओम भैरवाय नमः पूजयामि। ओम शूलपाणिने नमः पूजयामि। ओम ईश्वराय नमः पूजयामि। ओम दंडपाणिने नमः पूजयामि। ओम नंदिने नमः पूजयामि। ओम महाकालाय नमः पूजयामि। भगवान शंकर के जो अष्ट स्वरूप अष्ट मूर्तियां हैं उनका भी यहाँ पर पूजन आता है। ओम सर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। ओम भवाय जलमूर्तये नमः। ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः। ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः। ओम पशुपतये यजमानमूर्तये नमः। ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः। ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमो नमः।
इस प्रकार से अष्ट मूर्तियों का पूजन का विराम आता है। आइए अब गंधाक्षत पुष्प लेके मानस पूजा के साथ भगवान को मानसिक पूजा भी अर्पित करेंगे। हरि ओम। मानस पूजा क्या वर्त है लग्ने कल्पितमासनम जले स्नानम च दीपाम्बरम नानारत्न विभूषितम नयमना मोदांगितम चंदनम जाती चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधिपशुपते यत्कल्पितं वियतां शौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे कृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं ब्रह्माफलं पानकम् शाकानाम युतं जलं रुचिकरं परपूरखण्डो जलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणावीरिमृदङ्गकाहलिकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हो तत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाणं प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजाते विषयो बहुविरचिना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चार प्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोत्वाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विराधं निहतमवितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाम्बे श्रीमादेव शम्भो जय जय करुणाम्बे श्रीमादेव शम्भो और शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महा